कल बेटा अपन ने कहा जॉइंट्स पढ़ लिए थे कि नहीं, टाइप ऑफ जॉइंट हो गए थे ना। तो देखो अपन ने जो बात की, हमने कहा कि जो जॉइंट्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा फ्रीली मूवेबल यानी कि साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कि इमूवेबल के एग्जाम्पल थे जैसे कि हम सूचर बात करें जो कि हमारे स्कल बोन्स के बीच में है, और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका जो जॉ बोन है और आपके टीथ, इनके बीच का जो जॉइंट है ये भी इमूवेबल जॉइंट है। फिर हमने कहा स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनस, एग्जाम्पल लिया कि दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस को इसका एग्जाम्पल लिया। थर्ड वॉज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के केस में हमने कहा कि यहां पर एक साइनोवियल कैविटी होगी जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो जॉइंट है इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। इसके टाइप्स के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, अपने हाथ का एग्जाम्पल याद रखना। शोल्डर जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट। फिर नी जो है एल्बो जॉइंट, हिंज, रेडियस अल्ना के बीच पाइवट। फिर अपन ने कहा कि कार्पल्स के बीच ग्लाइडिंग, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, सैडल जॉइंट। तो ये पांच टाइप के जॉइंट्स थे। अब जॉइंट्स के बाद अपन आते हैं चैप्टर के अगले पार्ट यानी कि मसल्स वाले पार्ट पे। तो मसल्स में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले बेटा दो टर्म आती हैं। एक टर्म है आपका मूवमेंट, सो फर्स्ट वन इज मूवमेंट, एंड अदर टर्म इज लोकोमोशन। तो हमें यहां पे इन दो टर्म्स के बारे में बात करनी है कि मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या है, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि जब आप बात कर रहे हैं अपने किसी बॉडी पार्ट के मूवमेंट के बारे में, या अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज के, किसी सब्सटेंस के मूवमेंट के बारे में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट कहते हैं। लाइकवाइज मान लो मैं अगर अपने हाथ को मूव करा रहा हूं तो ये क्या है, मूवमेंट है। या मेरे हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से मेरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ये ब्लड में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमने कहा कि सारे मूवमेंट के एग्जाम्पल हुए। अब लोकोमोशन क्या होता है, तो लोकोमोशन वो मूवमेंट होता है जिसके अंदर फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो। तो लोकोमोशन इज द मूवमेंट विच इन्वॉल्व फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हो तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। लाइकवाइज मान लो मैंने अपने लेफ्ट लेग के अंदर अभी जो किया है इसको हम मूवमेंट कहेंगे, मूवमेंट किया ना। अब राइट लेग के अंदर मूवमेंट किया, मैं अपनी जगह से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। ध्यान दें मूवमेंट जो है ये आपका हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट आपका रिपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, ठीक। वहीं पर आप अगर बात करें मल्टी सेलुलर में, जैसे प्लांट्स के अंदर ही, अभी आप जैसे प्लांट वाटर रिलेशन वगैरह पढ़ रहे हैं उसके अंदर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वगैरह आपने पढ़े, तो वहां सब जगह पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना, कि मूवमेंट हर जगह है। लोकोमोशन की जब बात आती है तो लोकोमोशन या तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर होता है, और या फिर अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर। तो एक तरफ तो जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है उनके अंदर होता है, और मल्टी सेलुलर में जब आप बात करते हैं तो ये चीज पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। यहां पर आप एक अपन कहें कि एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, और वो स्टेटमेंट हो सकता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जितने भी बेटा लोकोमोशन है तो ये सारे लोकोमोशंस क्या है, मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, पर सारे जो मूवमेंट है दे आर नॉट लोकोमोशन। तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं।
तो भाई कोई भी लोकोमोशन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर कोई मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो, पर हाँ ऐसे मूवमेंट्स जरूर होते हैं जिनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता है। अब यहां हम बात करते हैं पहले बॉडी के अंदर मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट के बारे में अगर आप देखें तो हम जब बात करेंगे बेटा ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ह्यूमन बॉडी में यानी कि हमारे अंदर तीन तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। अब ये तीन तरह के मूवमेंट कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला हो जाता है अमीबॉइड मूवमेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमारे अंदर पाया जाता है यह आपका अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड का मतलब क्या हुआ, लाइक एज अमीबा, तो वो मूवमेंट जो अमीबा की तरह होता हो उस मूवमेंट को अपन ने क्या कहा, अमीबॉइड मूवमेंट कहा। अब अमीबा की तरह मूवमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर सीडोपोडिया बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पे हो। साथ के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट वगैरह है इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर के हमें प्रोवाइड करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। कहाँ पाया जाता है, तो अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो पहला मुझे दिखाई देता है ल्यूकोसाइट। ये किसके अंदर मौजूद होता है, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी में। हमने बात की थी कि डब्ल्यूबीसी के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लड वेसल के अंदर या बाहर मूव कर सकती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से हो रहा था, डायपेडेसिस हमने उसको नाम दिया था। इसी ल्यूकोसाइट में से एक थी मोनोसाइट, और मोनोसाइट जब टिश्यू स्पेसिस के अंदर चली जाती है तो टिश्यू स्पेसिस में पहुंचने के बाद इसी को नाम क्या दिया जाता है बेटा, मैक्रोफेज नाम देते हैं। तो ये जो ल्यूकोसाइट है मैक्रोफेज है इनके अंदर होने वाला मूवमेंट कौन सा है, अमीबॉइड। अमीबॉइड के बाद देखिए हमारी बॉडी में अगला मूवमेंट पाया जाता है सिलियरी, और जो सिलियरी मूवमेंट है यहां पर ऑब्वियसली बेटा इन्वॉल्व कौन होगा, सिलिया। हमने एनिमल टिश्यू के अंदर बात की कि सिलिया हमारे अंदर दो तरह के हैं, द वन वॉज काइनोसिलिया एंड अदर वॉज स्टीरियोसिलिया। अमंग देम काइनोसिलिया मूवेबल था जबकि स्टीरियोसिलिया मूवेबल नहीं था। तो अब किसके मूवमेंट की वजह से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा, तो अपना आंसर क्या होगा कि साहब काइनोसिलिया का जब मूवमेंट होगा तो सब्सटेंसेस मूव करेंगे। तो जो काइनोसिलिया है ये पाए कहां कहां जा रहे थे, तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यानी कि आपके ट्रेकिया में मौजूद थे, ट्रेकिया के अलावा हम देखें तो ब्रोंकी में पाए जा रहे थे, ब्रोंकियोल्स के अंदर मौजूद थे। यहां पे इनका काम क्या था कि ये म्यूकस को बाहर की तरफ मूव करा रहे थे, टू पास म्यूकस आउट। वहीं पर एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। ये जो बेटा फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये ओवरी और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ट्रेकिया और ब्रोंकी हो गया, यहां पे सिलरी मूवमेंट पाया जाता है। पोस्ट सिलरी थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट हो जाता है आपका बेटा फ्लेजुलर मूवमेंट। तो यह फ्लेजुलर की बजाय अभी मैं यहां लेता हूं मस्कुलर, फ्लेजुलर के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी अपन ले लेते हैं मस्कुलर मूवमेंट को। तो थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट हमें यहां अपने अंदर जो दिखाई देता है यह है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट वो हुआ जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। और ये जो मस्कुलर मूवमेंट है जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व है, दिस वन इज मोस्ट कॉमन इन हायर एनिमल्स, या हम कहें अपनी बॉडी के अंदर सबसे कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट कौन सा है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। और ये जो मस्कुलर मूवमेंट है इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हम जो खाना चबा रहे हैं, खाना चबाते हैं तो इसके अंदर भी तो मस्कुलर मूवमेंट हो ही रहा है ना। खाना चबाने के अलावा अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं मान लो ब्रीदिंग के बारे में, तो ब्रीदिंग के अंदर जो एयर का मूवमेंट होता है वो भी मसल्स की वजह से था। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करें मसल्स की वजह से था। तो ज्यादातर हमारे अंदर जो पाए जाते हैं दे आर मस्कुलर मूवमेंट। एक और टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमारे अंदर है पर उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, और वो हो जाता है बेटा फ्लेजुलर मूवमेंट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज फ्लेजुलर।
फ्लेजुलर मूवमेंट उसे कहा जाएगा विच इज ड्यू टू फ्लेजुला। तो फ्लेजुला की वजह से जब मूवमेंट होता हो तो आप कहेंगे इसे फ्लेजुलर मूवमेंट। कहां पाया जाता है? तो फ्लेजुलर मूवमेंट हमारे अंदर केवल एक सेल शो करती है और उस सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ, या आप शॉर्ट में सिर्फ क्या कह देते हैं? स्पर्म। तो ये जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ है इसके अंदर जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? फ्लेजुलर। तो हमारे अंदर मेनली कितने टाइप का हुआ? तीन, एक चौथा कौन सा हो गया? फ्लेजुलर मूवमेंट। अब इनमें से हमारे अंदर ज्यादातर कौन सा पाया जाता है? मस्कुलर। तो हम बात करते हैं अबाउट मसल्स कि हमारे अंदर बेटा मसल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो एक बार पहले इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और कोशिश करें कि आप साथ के साथ लिखते जाए जिससे अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़े। अपन आजकल बहुत ज्यादा धीमे धीमे पढ़ रहे हैं। अब जब हमने कहा कि हमारी बॉडी में ज्यादातर जो मूवमेंट होते हैं दे आर मस्कुलर, तो हमें थोड़ा सा मसल्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि यहीं पे अपन मस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट कवर करेंगे। अब देखिए मसल्स हमारे अंदर होती हैं तीन तरह की। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल जो अपने पास है इसको अपने नाम दिया स्केलेटल, सेकेंड इज कॉल्ड विसरल, एंड तीसरे का नाम क्या हो गया? कार्डियक। सबसे पहला स्केलेटल मसल। आपने इसे स्केलेटल नाम क्यों दिया? एज इट इज अटैच्ड टू स्केलेटन। हमारे बोन से, हमारे स्केलेटन से जो मसल अटैच्ड है उस मसल को नाम क्या देते हैं? स्केलेटल मसल नाम दिया जाता है। वहीं पर विसरल मसल उसे कहा जाता है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जा रही है। लाइक एज अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मौजूद है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर पाई जा रही है, या ब्लड वेसल की वॉल में अगर पाई जा रही है, तो ये सारी मसल्स हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हैं। वहां की जो मसल्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? विसरल मसल। एंड थर्ड इज कार्डियक। तो कार्डियक मसल उसे कहा जाएगा जो कि कहां पर मौजूद हो? हमारे हार्ट के अंदर या हार्ट की वॉल में जो मसल्स पाई जाएगी उनको नाम देंगे हम कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल को आप देखें तो मैंने इसे कहा है कि दैट इट इज वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री का मतलब हुआ कि हम अपनी विल के अकॉर्डिंग इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकते हैं। लाइकवाइज मैंने जब चाहा कि मेरी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे तो बाइसेप ने किया, मैंने जब चाहा कि ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे, बाइसेप रिलैक्स करे, तब भी ऐसा हुआ। यानी कि वॉलेंट्री है। पर अगर हम बात करते हैं विसरल मसल्स के बारे में देन दे आर इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि इनका काम करना हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी मान लो क्लास आने से पहले अगर आपने ब्रेकफास्ट किया था तो उस केस में अब आपके स्टमक की जो मसल्स हैं वो अभी काम कर रही हैं फूड का डाइजेशन करने के लिए, काइम बनाने के लिए। अगर हम चाहें तो क्या उन स्टमक की मसल्स का काम करना बंद करा सकते हैं? नहीं। यानी कि ये कैसी है? इनवॉलेंट्री है। इन द सेम फैशन अगर हम कार्डियक मसल्स को देखें तो ये कार्डियक मसल्स भी बेटा कैसी होती है? इनवॉलेंट्री है। यानी कि हम अगर चाहें कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए या हम अगर चाहें कि हार्ट बीट स्लो हो जाए या हार्ट बीट रुक जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कार्डियक मसल्स भी कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। अगला, हमने जब भी मसल्स का अगर डायग्राम देखा है तो उस डायग्राम के अंदर स्केलेटल मसल जब भी दिखाई जाती है तो स्केलेटल मसल को हम हमेशा कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि एक स्केलेटल मसल ये है, दूसरी ये है, और तीसरी स्केलेटल मसल में अपन मान लेते हैं कि ये हो गई। तो देखो एक मसल फाइबर ये हुआ ना, ये बस अलग डायरेक्शन में मुड़ गया। एक मसल फाइबर ये है, एक और मसल फाइबर ये हुआ। यहां पर आपने जब भी इनके डायग्राम्स देखे हैं तो आपको हमेशा यहां पे कुछ अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहां पर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए स्केलेटल मसल्स को आप क्या बोलते हो बेटा? स्ट्राइएटेड कहा जाता है कि इनके अंदर क्रॉस स्ट्राइएशंस पाए जा रहे हैं। वहीं पर जब आप बात करते हैं स्मूथ मसल्स के मामले में तो स्मूथ मसल के अंदर आपको ऐसे स्ट्राइएशंस दिखाई नहीं देते हैं। तो विसरल मसल को इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि नॉन स्ट्राइएटेड है। ये कैसा हुआ? स्ट्राइएटेड। जबकि विसरल कैसा रहेगा? नॉन स्ट्राइएटेड। तो विसरल मसल को आप जब भी देखेंगे
तो इसका डायग्राम आपको हमेशा कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये कुछ स्पिंडल शेप्ड मसल्स हैं और यहां पे आपको कुछ स्ट्राइएशंस नहीं दिखाई देते। तो आपने इसे क्या कह दिया, नॉन स्ट्राइटेड, या इसी को बोल दिया जाता है कि ये कैसा है, स्मूथ मसल है। वहीं पर जब हम डायग्राम देखते हैं कार्डियक मसल्स का, तो कार्डियक मसल के डायग्राम में अगर हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि स्ट्राइएशंस मौजूद होते हैं। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये जो मसल रहेगी इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसे करके ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स यहां पर पाए जा रहे होंगे, क्योंकि लाइट और डार्क बैंड मौजूद है, तो इसीलिए कार्डियक मसल जो है ये कैसी होती है बेटा, देन इट इज स्ट्राइएटेड। तो ये कार्डियक मसल जो हम देखें तो ये भी कैसी रहेगी, स्ट्राइएटेड होती है। इसके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, जो कि कहां एब्सेंट थे, विसरल मसल के अंदर। तो हमने कहा कि हमारे अंदर तीन टाइप की मसल्स हैं। जो डिटेल्स हैं इनके बारे में वो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। अभी देखिए मसल्स के बारे में जब भी अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर आप मसल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है, मायोलॉजी, या हम क्या नाम देते हैं, सार्कोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए हमारे अंदर जो नंबर ऑफ मसल्स हैं, तो अपने अंदर बेटा नंबर ऑफ मसल्स होता है 639। हमारे अंदर मसल्स कितनी पाई जाती हैं, तो 639 मसल्स होती हैं। वहीं पर अगर हम बोन्स का नंबर देखें तो कितना था, 206। मसल कितनी हो गई, 639। अब ये जो मसल्स हैं दे फॉर्म ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ बॉडी वेट। ये बेटा बॉडी वेट का लगभग कितने परसेंट पार्ट बनाती है, 40-50% पार्ट बनाती है ये हमारे टोटल बॉडी वेट का। तो ओवरऑल बॉडी वेट का 40-50% पार्ट बनाया। इसीलिए आपको याद होगा कि जब कनेक्टिव टिश्यू में बात आई थी और वहां एनसीईआरटी ने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ बॉडी, तो मैंने कहा था कि ये चीज मसल वाली चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है उसके कंट्राडिक्ट करेगी। यहां पे अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि मसल्स हमारे बॉडी वेट का 40-50% बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, मसल्स। वहीं पर कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां मैंने आपको क्या समझाया था कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होना एक अलग बात है और वेट कितना बनाता है वो एक अलग बात है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होना एक अलग बात कैसे है, तो उसको अपन ने एग्जांपल लिया था कि हम मान लो थर्माकोल लें और हम एक आयरन की रॉड अगर अपन ले लें या ऐसी कोई भी चीज ले लें, तो थर्माकोल क्या है, ज्यादा जगह में आएगा, ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, पर वेट क्या रहेगा, कम। वहीं पर जो आयरन बार है या ऐसी हम कोई भी चीज अगर लेते हैं तो उसका वेट हमेशा कंपेटिवली क्या होगा, ज्यादा। तो हमने कहा कि ये लगभग बॉडी वेट का कितना बनाएगा, 40-50% बनाता है। अब देखिए जो भी मसल्स होती है इन मसल्स के अंदर बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, कि हमारी मसल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे मसल के अंदर पाए जाते हैं। तो मसल्स की जब आप प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एक्साइटेबिलिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कौन सी आ गई, एक्साइटेबिलिटी हमारी मसल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें तो यही प्रॉपर्टी न्यूरॉन के अंदर भी पाई जा रही थी, न्यूरॉन या नर्व सेल में भी एक्साइटेबिलिटी थी, और एक्साइटेबिलिटी कहां है, मसल के अंदर भी पाई जा रही है। वहां पे एनसीईआरटी की लाइन याद करो जहां एनसीईआरटी ने कहा था कि न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल एज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। कहा था ना कि न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल इसलिए है क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, पोलराइज्ड होती है। इन द सेम फैशन मसल भी एक्साइटेबल इसलिए है क्योंकि मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है। और तब मैंने आपको समझाया था कि एनसीईआरटी ने यहां पे कहानी एक्चुअली अधूरी कही है। पोलराइज्ड हमारी बॉडी की हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बस मसल और न्यूरॉन इन दोनों में एबिलिटी होती है कि ये अपनी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए एक्साइटेबल होते हैं। बाकी में क्या होता है,
जैसे अगर हम किसी भी बात करें इपिथेलियल सेल के बारे में, तो वो हमेशा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ही रहेगा, जबकि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये आरएमपी ही पे ही नहीं रहेगा, इसके अंदर डिपोलराइजेशन भी होगा, रिपोलराइजेशन भी होगा, तो ये अपनी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोलरिटी को बदल सकता है, इसलिए एक्साइटेबल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुआ, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या कहती है, तो इसने कहा कि जब भी अगर स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस के आने पर यहां क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाता है, तो इसको हमने कहा कि एक्साइटेबिलिटी है। यहीं पर एक और एग्जांपल आप याद करें, जब बेटा हम पढ़ रहे थे नी जर्क रिफ्लेक्स, तो उस टाइम पर रिसेप्टर कौन था, मसल स्पिंडल था ना, रिसेप्टर था मसल स्पिंडल, तो जो मसल स्पिंडल था वो बाहर से जब हमने हैमर से स्ट्राइक किया था तो एक्टिवेट हुआ था, यानी कि इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है। एक्साइटेबिलिटी के बाद अगली प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टिलिटी, तो अगली प्रॉपर्टी को अपन ने क्या कहा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कहा, यानी कि दे कैन शॉर्टन अपॉन एक्टिवेशन। जब भी अगर मसल का एक्टिवेशन किया जाएगा तो मसल एक्टिवेट होने पर अपनी लंबाई में कम हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लाइकवाइज अगर मान लो जैसे फेलेंजेस है, ठीक, यहां फेलेंजेस के जॉइंट पे यहां मसल्स लगी हुई है, अभी ये मसल ऐसे करके है, अब मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट कराया, जब कॉन्ट्रैक्ट कराया तो यही मसल अब क्या हुआ, ऐसे करके हो गई, मतलब यहां इसके बीच की मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया ना, अपनी लंबाई में कम हुई, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये मसल्स को छोड़ करके बाकी किसी भी टिश्यू के अंदर नहीं पाई जाती, यानी कि एक्साइटेबिलिटी मसल के अलावा न्यूरल टिश्यू में भी थी, पर कॉन्ट्रेक्टिलिटी मसल के अलावा न्यूरल टिश्यू के अंदर नहीं पाई जाएगी। कॉन्ट्रेक्टिलिटी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी बेटा, एक्सटेंसिबिलिटी। तो अगली प्रॉपर्टी क्या गई, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी कहती है कि देयर लेंथ कैन इंक्रीज, इनकी जो लेंथ है ये इंक्रीज हो सकती है इफ स्ट्रेच्ड, अगर मसल को स्ट्रेच किया जाए, मसल को अगर खींचा जाए तो खींचने पे मसल की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखें तो हम जब भी जैसे वर्कआउट करते हैं, या मान लो हमें अगर रनिंग करनी है, गेम खेलना है, तो उससे पहले कई बार हमसे कहा जाता है ना कि स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो आप स्ट्रेचिंग में एक्चुअली क्या करते हैं, मान लो मैंने अपनी इस पाम को अगर ऐसे करके खींचा, ठीक, ऐसे करके अगर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां की जो मसल है ये मसल क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रही है ना, तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, कि मसल अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा लंबी भी हो सकती है, तो इस प्रॉपर्टी को आपने कहा एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि मसल अपनी ओरिजिनल लेंथ से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, जब छोटी होगी तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, बड़ी हुई तो आपने क्या कहा, एक्सटेंसिबिलिटी कहा। एक्सटेंसिबिलिटी के बाद फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, तो अगली प्रॉपर्टी को बेटा क्या कहा, इलास्टिसिटी आपने कहा। इलास्टिसिटी कहती है दैट दे रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ, ये वापस आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल लेंथ पर जब इन्हें क्या कर दिया जाए, रिलैक्स, यानी कि चाहे आपने मसल को खींच के रखा हो, चाहे आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के रखा है, दोनों ही कंडीशन में आप जैसे ही मसल को रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स करते ही ये मसल लौट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर या अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को आपने क्या कहा, इलास्टिसिटी। तो मसल्स के अंदर प्रॉपर्टी कितनी हुई, चार। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ, एक्साइटेबिलिटी। ये क्या कहता है कि मसल्स एक्साइटेबल सेल है, अगर स्टिमुलस दिया तो ये डिपोलराइज हो जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रेक्टिलिटी, तो मसल्स का जब भी अगर एक्टिवेशन किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
अपनी ओरिजिनल लंबाई के कंपैरिजन में छोटे हो सकते हैं। फिर हमने अगला कहा एक्सटेंसिबिलिटी, जो ये कहता है कि अगर मसल्स को खींचा जाए तो मसल्स की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इलास्टिसिटी ये कहता है कि चाहे मसल की लंबाई बढ़ी हो या मसल की लंबाई कम हुई हो, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट की हो, दोनों ही कंडीशन में अगर मसल्स को रिलैक्स किया जाएगा तो रिलैक्स करने पर ये लौट करके अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाते हैं। तो इसको अपन ने कहा कि ये चार प्रॉपर्टीज हो गई मसल की। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल के बाद अब अपन बात करते हैं आगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कि स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, जो मसल सेल है, इस मसल सेल का एक और नाम क्या होगा बेटा? मायोसाइट कहा जा सकता है। मसल सेल का एक और नाम क्या हो जाएगा? मायोसाइट। मसल सेल या मायोसाइट को एक और नाम भी दिया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। क्या कहा जाता है? मसल फाइबर कहते हैं। यानी कि जब भी मैं कहूं मसल सेल, या अगर मैं कहता हूं मायोसाइट, या अगर मैं कहता हूं मसल फाइबर, तो इसका मतलब यहां पर सेम है। ठीक, यहां पर ध्यान रखेंगे फिलामेंट अलग चीज होती है, फाइब्रिल अलग चीज होती है, और फाइबर अलग चीज होती है। तो यहां पे जो मसल सेल है उसका नाम क्या होता है? मसल फाइबर नाम होता है। तो जो मसल सेल है इसको अपन कहते हैं मायोसाइट या मसल फाइबर कहते हैं। अब ये जो मसल फाइबर है ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? तो आप स्केलेटल मसल के इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेटा एक मसल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली होता ये है कि जो मसल सेल्स हैं इनिशियली कई सारी होती हैं, बाद में ये आपस में फ्यूज होती चली जाती हैं, और इनके फ्यूज होने की वजह से अब यहां एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस कहां रहेगा? इधर पेरिफेरी पर। और हर एक के अंदर न्यूक्लियस का नंबर एक से ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस का नंबर क्या रहेगा? एक से ज्यादा नंबर रहेगा। और इनमें से एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या कहा जाता है? मसल फाइबर कहते हैं। अब ये जो मसल फाइबर है इसको अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्केलेटल मसल फाइबर है। तो ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है इसको जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहां दिखाई देती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहां पे आपको बेटा क्या दिखी? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दी। और यहां इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको नाम देते हैं सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। आपको रिलेट करें, मसल्स की स्टडी को आपने क्या कहा था? सार्कोलॉजी भी कहा था मायोलॉजी के अलावा। तो ऐसे ही वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अब बात आती है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां हमने सार्कोलेमा कहा तो क्या सार्कोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों टर्म सिनोनिमस हैं, या हम कहीं भी जहां चाहें तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह सार्कोलेमा टर्म यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आप नहीं यूज कर सकते। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफर करती है, और ये डिफर इस मामले में करती है एज इट कंटेन कोलेजन फाइबर। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कोलेजन फाइबर्स यहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, इस वजह से जो सार्कोलेमा है इसको नाम दिया जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा कहेंगे। यहां पर जो इसका साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म को अपन नाम क्या देंगे? सार्कोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को आपने क्या कहा है? यहां पर सार्कोप्लाज्म नाम दिया। सो इट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। यहीं पर इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी जो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये स्टोर क्या करती है बेटा? कैल्शियम को स्टोर करती है। तो कैल्शियम के स्टोर हाउस की तरह काम करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप एक मसल फाइबर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पास न्यूक्लियस का नंबर एक होगा कि एक से ज्यादा? ज्यादा। और न्यूक्लियस कहां पाए जा रहे थे? पेरिफेरी पर मौजूद थे। तो आपने कहा कि ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है उसके मामले में हमने कहा कि पहली बात कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और दूसरी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है ये पाया कहां जाता है? एट पेरिफेरी, यानी कि सेल के सेंटर पे नहीं होता। तो कहां मौजूद है? पेरिफेरी पर। हमने कहा था कि यहां आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखाई देंगे। तो अब ये लाइट और डार्क बैंड्स आपको कैसे दिखाई देंगे? तो इसमें कुछ रीजन्स तो आपको दिखाई देंगे जो कि लाइट कलर्ड होंगे, और कुछ रीजन्स आपको कैसे दिखाई देंगे बेटा? डार्क कलर्ड। तो हमने कहा कि यहां पर ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स यहां पाए जाते हैं। अब इस काले वाले बोर्ड की यही समस्या है कि यहां पे क्या है कि लाइट और डार्क बैंड की कहानी ठीक उल्टी हो जाती है। व्हाइट बोर्ड पे क्या होता था कि डार्क बैंड दिखाना है तो वहां ब्लैक वाले मार्कर से बना दो। अब इसमें क्या, जहां बनाया वो क्या बन गया? व्हाइट बैंड बन गया। तो अपन ने क्या कहा कि यहां पे लाइट और डार्क बैंड दो चीजें मौजूद होंगी। तो हमने कहा कि इस तरीके से पाया जाएगा। अब ये जो आपका मसल फाइबर है, अब ये मसल फाइबर कई सारे एक साथ मौजूद होंगे, तो ये एक साथ किस तरीके से प्रेजेंट होंगे उस चीज को अपने को समझना है। तो फिलहाल अभी हम इसको यहीं रखेंगे, और अभी जरा अपन बात करते हैं, एक डायग्राम और जरा देखेंगे। ठीक, तो हम यहां देखने वाले हैं अबाउट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल, और इस डायग्राम को अपन अच्छे से समझेंगे जिससे अपने को कुछ एक चीजें दिखाई दे जाए। तो देखे, जैसे अपन जब पेंसिल लेके आते हैं, ठीक, नटराज, अप्सरा, जो भी पेंसिल लेके आए, मान लो पेंसिल का पूरा पैकेट लेके आए या पेन का पूरा एक डब्बा लेके आए, और उसके जितने भी पेंसिल हैं सारे पेन को हमने एक बंच के फॉर्म में एक साथ पकड़ लिया। अब उनमें से इंडिविजुअल जो पेन है उसका नाम हो गया मसल फाइबर। वो क्या है? मसल फाइबर। और अब यहां पे कई सारे मसल फाइबर एक साथ मौजूद है, तो ऐसे क्या बनता है? मसल बनती है। यानी कि अपनी जो मसल है, इसमें आप मान लो इमेजिन करना अंदर कई सारी पतली पतली थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। वो जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है वो एक साथ बंडल्ड है, एक साथ बंधी हुई है, और उनसे जो स्ट्रक्चर बन रही है उसी का नाम क्या है? मसल। तो अब ये मसल कैसे बनती है, इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखो बेटा, एक मसल फाइबर ये हुआ, दूसरा मसल फाइबर ये है, फिर एक ये हो गया, अनादर इज हियर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे करके ये मसल फाइबर्स होंगे। ठीक, ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये मसल फाइबर्स पाई किसके फॉर्म में जा रहे हैं? बंडल्स के फॉर्म में है, या मसल फाइबर मिल करके एक बंडल जैसी स्ट्रक्चर यहां पर बना रहे हैं। तो इनिशियली जो आपका मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि जो आपको यहां वॉयलेट कलर से दिख रही है, इसका नाम क्या था? सार्कोलेमा। इसके ऊपर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग पाई जाएगी, और इस कनेक्टिव टिश्यू की इस कवरिंग को अपन नाम देते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहा जाता है इसको बेटा? एंडोमाइसियम कहा जाता है। तो जो मसल फाइबर है इसके ऊपर की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू एक कवरिंग बनाता है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। तो यहां पे क्या हुआ कि जो कवरिंग बनी इस पूरी स्ट्रक्चर को,
मिला करके आपने बेटा नाम क्या दिया, एंडोमाइसियम। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि ये आपका क्या है, यहां पर बेटा मसल फाइबर है। सो दिस वॉज अ मसल फाइबर। फिर मसल फाइबर के बाद हमने कहा कि ये एंडोमाइसियम है, तो इस वाली कवरिंग को नाम क्या देते हैं, एंडोमाइसियम नाम दिया जाता है। अब एंडोमाइसियम ने कवर किसे किया, मसल फाइबर को, और एक पूरा एक बंडल बना। ये जो बंडल है इसके चारों तरफ यहां पर अब एक कवरिंग बनती है, और इस बंडल के चारों तरफ जो कवरिंग बनी, ये देखो ऐसे करके बंडल को एक साथ बांधा, ये पूरे के चारों तरफ जो कवरिंग बनी, इस कवरिंग का नाम होता है पेरीमाइसियम। क्या कहा जाता है, पेरीमाइसियम नाम दिया। तो इसको अपन ने नाम क्या दिया, पेरीमाइसियम हमने कहा। अब ये जो पेरीमाइसियम है, इस पेरीमाइसियम से कवर्ड ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसको नाम दिया जाता है मसल बंडल। क्या नाम देते हैं, मसल बंडल कहा जाता है। और मसल बंडल का दूसरा नाम होता है फेसिकल। मसल बंडल का ही बेटा दूसरा नाम क्या है, फेसिकल नाम होता है। तो मसल बंडल को ही आप यहां पर क्या बोलते हैं, फेसिकल कहा जाता है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले जो एक मसल फाइबर था उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग का नाम क्या था, एंडोमाइसियम। कई सारे मसल फाइबर मिलकर के एक बंडल बनाते हैं जिसको हम मसल बंडल बोलते हैं। मसल बंडल की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है। एक मसल बंडल यहां है, इसी तरीके से एक और मसल बंडल ये हुआ, एक मसल बंडल ये हो गया, अनदर इज ओवर हियर। तो इस तरीके से क्या हुआ, कई सारे मसल बंडल्स ये एक साथ आ गए। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, अब वही चीज अगर चाहे तो यहां सब जगह बनाते रहे। तो यहां पर अपन ने क्या कहा कि कई सारे मसल बंडल्स हैं जो एक साथ आ गए। अब ये जो मसल बंडल्स हैं, इनके ऊपर अब एक कवरिंग बनती है। तो ये जो सारे मसल बंडल्स हैं, इन सारे मसल बंडल्स को एक साथ बांधना या इनको एक साथ रखना, ये काम कौन करता है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इपीमाइसियम। इसको क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम कहा जाता है। तो इसको अपन ने नाम क्या दिया, इपीमाइसियम हमने कहा। सो फिर से देखिए, जब भी आपसे कहा जाएगा कि एंडोमाइसियम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि एंडोमाइसियम इज कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। बना किसका है, तो ये बना है कनेक्टिव टिश्यू का। फिर मुझसे कहा गया कि पेरीमाइसियम क्या होता है, तो मैं क्या कहूंगा कि पेरीमाइसियम इज कवरिंग ऑफ फेसिकल। ये कवरिंग किसकी है बेटा, फेसिकल यानी कि मसल बंडल की कवरिंग है। वहीं पर जब मुझसे कहा जाएगा कि इपीमाइसियम क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि इपीमाइसियम इज कवरिंग ऑफ मसल। तो ये क्या हुआ, कवरिंग ऑफ मसल है। अब देखिए यहां पर आपको इन सारी मसल्स को एक सारे मसल बंडल्स को एक साथ बनाए रखना है। साथ में आपको यहां पे ब्लड सप्लाई भी देनी है, नर्व सप्लाई भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहां पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देने के लिए मान लेते हैं एक ब्लड वेसल ये है, एक और ब्लड वेसल यहां है, एक ब्लड वेसल इधर की तरफ आ गई। फिर यहां पर हमने कहा कि इन सबको एक जगह बनाए रखने के लिए क्या मौजूद होगा, तो यहां पर बेटा प्रेजेंट होता है एक कॉमन कोलेजिनस कवरिंग। मतलब इनके बीच में कुछ भरा होगा ना, इनके बीच में जो कुछ भरा है मसल बंडल्स के अराउंड, जो एक कॉमन कोलेजिनस कवरिंग बन रही है, इस कॉमन कोलेजिनस कवरिंग को, इसको हम नाम देते हैं फेशिया। क्या कहा जाता है, फेशिया कहा जाता है। तो ये क्या है बेटा, यहां पर फेशिया। और फेशिया क्या है, तो हमने कहा कि ये कॉमन कोलेजिनस कवरिंग है,
और ये कॉमन कोलेजिनस कवरिंग जो है इट इज अराउंड, किसके अराउंड? मसल फाइबर के, मसल बंडल्स के? मसल बंडल्स, और एक बंडल के नहीं, सारे बंडल्स के अराउंड। तो सारे मसल बंडल्स के अराउंड जो कॉमन कोलेजिनस कवरिंग होती है उसको नाम क्या देते हैं? फेशिया कहा जाता है। अब यहां पे जो चीज अपन ने अभी पढ़ी ना, इसको हम एक बार एनसीईआरटी से अभी के अभी टैली करते हैं, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी थोड़ा सा परेशान कर लेती है। तो यहां पे अपन अभी इसको देख लेते हैं और फिर अपन बढ़ेंगे आगे। तो जरा हम आ जाते हैं अपना एनसीईआरटी में और अब देखिए क्या कहा, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। का ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस टिश्यू लेयर कॉल्ड द फेशिया। पढ़ना फिर वापस से, क्या कहा कि जो नंबर ऑफ मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है? फेसिकल। दे आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ बने रहते हैं, किसके थ्रू? कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेशिया कहते हैं। ईच मसल बंडल, हर एक मसल बंडल में कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब देखो यहां मसल बंडल क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये एक मसल बंडल है। इस मसल बंडल के अंदर क्या पाया जा रहा है? मसल फाइबर्स मौजूद है, कंटेन मसल फाइबर। फिर कहा कि ईच मसल फाइबर इज लाइन बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोल प्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म का नाम क्या हुआ? सार्कोप्लाज्म। फिर कहा मसल फाइबर इज अ सिंसाइशियम। आपने अभी तक बॉटनी में पढ़ लिया होगा कि सीनोसाइटिक और सिंसाइशियम दो कंडीशन होती हैं। जब अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन न्यूक्लियस के डिवीजन से बने तो इसको सीनोसाइटिक कहते हैं, और सिंसाइशियम का मतलब होता है कि अगर कई सेल के फ्यूजन से बने। तो यहां पे कई सेल्स का फ्यूजन हो रहा था ना, तो जो स्ट्रक्चर बनी इसको अपन ने क्या कहा? सिंसाइशियम कहा। एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोर हाउस किसका है? कैल्शियम का। ठीक, अब यहां पर जो ये आगे की स्ट्रक्चर है ना वो अपन बात करेंगे आगे। अभी उससे पहले देखो डायग्राम में, अब इस डायग्राम के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि लोकेट करो, तो इस डायग्राम में आप मुझे बताओ कि ये जो बाहर की कवरिंग है, इस वाली कवरिंग को बेटा अपन नाम क्या देंगे? इपिमाइसियम। ये बाहर जो कवरिंग है, इस वाली कवरिंग का नाम क्या रहेगा? इपिमाइसियम। इधर यहां पर जो बाहर की तरफ कवरिंग है, इस वाली कवरिंग को अपन नाम क्या देंगे? तो ये वाली कवरिंग क्या हुई? पेरिमाइसियम हुई। तो ये क्या हुआ? पेरिमाइसियम हो गया। फिर हमने कहा कि मसल फाइबर कहां है? ये मसल फाइबर है। ठीक, मसल फाइबर के अराउंड जो कवरिंग है, इस कवरिंग का नाम क्या है? एंडोमाइसियम है। फिर हमने क्या कहा था कि जो मसल बंडल्स हैं, इन मसल बंडल्स के अराउंड जो कॉमन कोलेजिनस कवरिंग होती है, ये जो कॉमन कोलेजिनस कवरिंग है, इसी को अपन नाम क्या देते हैं? फेशिया। तो इसी को नाम क्या दे दिया? फेशिया हमने नाम दिया। तो फेशिया और पेरिमाइसियम दोनों लगभग साथ साथ होते हैं, पर दोनों की डेफिनेशन या दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, तो हम अलग अलग याद रखेंगे। एक मसल बंडल के अराउंड जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? पेरिमाइसियम। कई सारे जो मसल बंडल्स थे, इन मसल बंडल्स के अराउंड जो एक कॉमन कोलेजिनस कवरिंग थी, उस कॉमन कोलेजिनस कवरिंग का नाम क्या था? फेशिया। तो अब यहां पर वापस से आ जाते हैं अपन लौट के अपने डायग्राम पे, और इसको आप वापस से अब एक बार बना दें। तो आज तो पीटीएम है, कितने लोगों के पापा आ गए? नहीं, क्या बुलाया नहीं तुमने? नहीं, हम तो हैं, हम तो हमेशा के लिए हैं। हमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह पेरेंट बनने से रोक रखा है? पता है दीपावली वेकेशन क्यों दी जाती इतनी लंबी?
ये लंबी, बहुत लंबी वैकेशन है भाई, कोचिंग में इससे बड़ी छुट्टी नहीं होती कोई, ये सबसे बड़ी छुट्टी है जिसका तुम लोगों से ज्यादा हम जैसे लोग मतलब साल भर इंतजार करते हैं दीपावली की छुट्टी आएगी, उसके लिए पहले से प्लान करके रखते हैं, अच्छा वहां जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, बाकी साल भर टाइम ही नहीं मिलता। मतलब अब तो क्या है कि रिश्तेदारों ने मानने से मना ही कर दिया कि तो हमारे यहाँ मतलब कहीं एसोसिएटेड हो भी, उनके लिए तुम्हारा होना ना होना बराबर है। दीपावली क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होती है, ट्रांजिशन का काम करती है ये अपने आप में। एक तो क्या करती है कि जब आप स्पेशली जैसे 12th या ड्रॉपर वगैरह में होते हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए दीपावली ब्रेक बहुत बढ़िया काम करता है। मोर ओवर मौसम बदलता है, अब तक आपको अगर नींद एक्स आ रही थी तो अब आप मान लीजिए आपको नींद अब 2x आने वाली है, इसके बाद डबल नींद आती है। ठीक, तो आप क्या है कि आपको अपनी नींद से भी लड़ना है। दीपावली वेकेशन के पहले और बाद की कहानी कुछ वैसी है जैसे कि ईसा से पहले और ईसा के बाद। ठीक, वो क्या था कि एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसके हिसाब से अपन ने टाइम को डिवाइड किया। अगली स्लाइड लगाए, ये वाला नहीं बना अभी। तो कोशिश करना कि दीपावली वेकेशन को, मैं ये नहीं कहता कि नहीं तुम अगर यहां पे हो तो भी अपने घर जाओ तो भी, कि तुम दिन में जो है 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, सब कुछ कर डालो, नहीं, अपना स्मूथ वे में। हाँ, हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास समय है तो हम एक दिन में लगभग लगभग आराम से 12 घंटे के आसपास तो हम निकाल सकते हैं, 10-12 घंटे तो अपन पढ़ सकते हैं, जबकि अपने को कोचिंग भी नहीं जाना, अपने 6 घंटे तो वो ही बचेंगे, बाकी के 6 घंटे ही तो और पढ़ना है ना? नहीं, 12 घंटे सोना नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कि अब ये क्या ट्रांजिशन पीरियड, तो मैं भी 12 घंटे सोगी तो बाद में 24 घंटे कुंभकर्ण की छोटी में तुम ही साबित होगी कि मालूम पड़ा जो दीपावली पे सोई थी पे उसके बाद सीधे होली पे उठी। तो अपने को कोशिश करना है कि थोड़ा सा अपने तो टाइम बढ़ाए। आप एक बात समझिए, जो कंपटीशन है या आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी तैयारियां हैं, आप भले इस कमरे के अंदर कर रहे हो पर क्या आपका कंपटीशन इस कमरे के अंदर बैठे लोगों से है? नहीं है ना, इस कमरे के बाहर की दुनिया में लगभग 18 लाख बच्चे बैठे हैं, उस 18 लाख में से लगभग लगभग 35,000 के आसपास को सीट मिलती है, इतने को मिलेगी है ना? तो अब उस 35,000 में अगर आपको पहुंचना है तो आप सोचो कि सक्सेस रेशियो कितना कम है, और सक्सेस रेशियो कम है तो मेडिकल कॉलेज को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सवाई आया कि नहीं आया, कि साहब इसके आए बिना तो मेडिकल कॉलेज चली गई नहीं, कोई भी आओ चाहे मत आओ, दे डोंट केयर। उन्हें पता है कि भाई 18 लाख बच्चा है जो उस 35,000 सीट को भरने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई ना कोई 35,000 पहुंचेगा। अब आपको इंश्योर ये करना है कि उस 35,000 में आपका भी नंबर हो, आप भी वहां तक पहुंचे, और जितना बेहतर पहुंचे या जितने बेहतर कॉलेज में पहुंचे उतना ज्यादा बेहतर, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखो जो कॉलेज का टैग है ना वो कभी छूटता नहीं है, ये परमानेंट टैग होता है। तो इसीलिए जब भी जैसे अपनी जब काउंसलिंग वगैरह का टाइम आएगा तो उस टाइम भी कोशिश करता है हर बच्चा कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर कॉलेज में जाए, क्योंकि कॉलेज हमेशा आपके नाम के साथ चिपका रहता है कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट है। तो जितना उस 35,000 में भी, ऐसा नहीं कि आप अगर विद इन 35,000 आ गए तो काम हो गया, आपको उसमें भी एक्सेल करने की कोशिश करनी है साथ के साथ। आप देखिए एक चीज, अब दीपावली के बाद अपने को क्या करना है कि देखो या तो अपन कहें कि पढ़ाई को मैनेज करें। मतलब दो चीजें हैं, या तो मेरी अप्रोच ये हो कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ने के लिए निकालने हैं, ठीक, एक दूसरी अप्रोच ये है कि पूरे दिन में 10 घंटे तो मेरे पढ़ने के हैं ही, अब इसके अलावा बाकी के जो काम है उनके लिए मुझे समय निकालना है। मतलब पहले वाले केस में अपन ने क्या कहा, सोचा कि ठीक है हम दिन में 10 घंटे पढ़ने के लिए निकालेंगे, और दूसरी अप्रोच ये है कि पढ़ने के लिए 10 घंटे तो है ही,
बाकी जो काम है उनके लिए अपन देखेंगे कि उनके लिए अपने को टाइम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। कि एक आध दिन अगर नहाने को टाइम नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगले दिन नहा लेंगे, फिर उससे अगले दिन नहा लेंगे। पर वो जो पढ़ने वाले 10 घंटे वो अपने डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपने को नहाना अगर सुबह 6 बजे तो हम 6 बजे नहाएंगे, पढ़ना डिस्टर्ब हो तो हो जाए, वो अपने को नहीं करना है। तो पढ़ने पर थोड़ा सा बेहतर ध्यान देंगे, क्योंकि अपने को आप समझिए टारगेट बहुत बड़ा है जो हमें यहां बैठ के भी दिखाई नहीं दे रहा। यहां बैठ के चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है ना, सूरज भी बहुत अच्छा लगता है, आप जब उसके पास पहुंचते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो चीज क्या है। तो ऐसे ही जब पास पहुंचते जाओगे तब समझ में आएगा कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचना या नीट क्वालिफाई करना क्या चीज है। और ये उतना आसान है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। आप सोचो भले ही एग्जाम आसान आता है, पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, IIT की तरह बहुत टफ पेपर नहीं आता, पर ये बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। आज की क्लास अभी 1-1 घंटे की थी, तो आज के लिए अभी अपन इतना रखते हैं, ठीक। फिर अब बात करेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल 22 सिफेलिक, 22 मतलब हुआ 2 और सिफेलिक यानी कि हेड, तो इसके पास 2 हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 22 सिफेलिक बोलते हैं, ठीक। और ये टर्म अपन यूज करते हैं रिब्स के लिए, तो जब एक बार बना लो तो फिर वहां से साइन आउट कर देना।